नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्तमान समय में 5 राज्यों के विधानसभा के लिए चुनाव चल रहा है। चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है और शाम तक जो इसके परिणाम भी जो है आने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, चुनाव से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में जान लेना आवश्यक है कि वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। कई चीजें हम लोग सुनते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है उन सभी विशिष्ट बातों को ही हम लेकर के आए हैं जिससे कि उसके बारे में आपकी जानकारी जो है वो स्पष्ट हो सके। तो इसी क्रम में कुछ चीजें हैं जिसको समझना आवश्यक है, जैसे कि यहाँ पर परिसीमन आयोग है। परिसीमन चुनाव के पूर्व में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा के पूर्व में किया जाता है ताकि जनसंख्या और आवंटित सीटों का अनुपात सभी जगहों पर एक जैसा हो सके, तो एक परिसीमन से संबंधित व्यवस्था है। दूसरा अधिसूचना से संबंधित है। तीसरा, यहाँ पर एक चुनाव के दौरान पदाधिकारी होता है, रिटर्निंग अफसर, उसके बारे में कुछ हम जान लेंगे। और एक जमानत राशि के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के क्रम में हम एक एक करके थोड़ा सा इन चुनावी व्यवस्थाओं को समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो पहली बात है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो कि परिसीमन का काम करता है, परिसीमन से तात्पर्य बेसिकली जो है चुनाव से पूर्व विधानसभा या विधान लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना इस तरीके से कि वह प्रत्येक सीट जो है समान जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए जो है सीट और जनसंख्या का अनुपात बराबर हो सके। और इस कार्य के लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है। और यह जो है आयोग का गठन वो परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत जो है गठित किया जाता है, जिसके लिए समय समय पर अधिनियम बनाए जाते हैं। अब तक 4 बार जो अधिनियम जारी किए जा चुके हैं। पहली बार जो है 1952 और 1900 जो है 72 ईस्वी में, और अंतिम बार जो है 2002 ईस्वी में जो है अधिनियम बनाए गए हैं। और इसी के जो है आलोक में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, यानी कि अधिनियम के अंतर्गत एक व्यवस्थित नियम कानून के आलोक में परिसीमन आयोग का गठन किया जाता रहा है। परिसीमन आयोग के गठन में जो है उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, और इसके अलावा जो है वो निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसका कोई प्रतिनिधि और राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसमें जो है भाग लेते हैं। तो इस तरीके से मिलकर के परिसीमन आयोग का गठन होता है। परिसीमन आयोग का जो कार्य है वो 3 तरीके का है। एक तो ये कि लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना। दूसरा है कि विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन करना। और तीसरा जो है क्षेत्र में जो है SC ST की जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों के अनुपात को सुनिश्चित करना, ताकि इस वर्ग का जो है चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसीलिए निर्वाचन क्षेत्र में जब किसी भी राज्य में विधानसभा का हो या लोकसभा का, तो वहां पर कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो आरक्षित होती है, रिजर्व प्रकार की होती हैं, यानी कि वहां पे जो है SC या ST वर्ग के ही उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बात स्पष्ट है कि वहां पर जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो वहां पर जनसंख्या पर्याप्त होता है, ऐसी स्थिति में जो है उनकी प्रतिनिधित्व के लिए वो सीट जो है सुरक्षित या रिजर्व की जाती है, ताकि वहां से जो है उन्हीं वर्ग से जो है उम्मीदवार खड़े होते हैं और उन्हीं के लिए जो है वो सीट रिजर्व होती है। तो इस तरीके से यह परिसीमन आयोग का काम होता है। लोकसभा के लिए सीटें परिसीमन करना, विधानसभा के लिए करना, और इसी तरीके से जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का निर्धारण करना जो इसका जो है कार्य होता है। अगला है कि परिसीमन कैसे जो है किया जाता है। इसके लिए परिसीमन आयोग के द्वारा एक आधार पत्र तैयार किया जाता है। कुछ शब्द हैं जिसको सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो है परीक्षा में यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो प्रभावी होता है आपका जो है उत्तर लेखन। तो इसलिए इन शब्दों को भी समझ लेना आवश्यक है जो चुनाव के दौरान बीच बीच में। तो परिसीमन आयोग के द्वारा एक आधार पत्र बनाया जाता है, उस आधार पत्र का क्रियान्वयन करते हुए जो है इस परिसीमन के कार्य को
संपन्न किया जाता है। सामान्यतः इसमें जो है राज्यों से परिसीमन के लिए जो है सहयोगी सदस्य भी इसमें लिए जाते हैं, जो है सदस्य लिए जाते हैं, और इसमें जो है सामान्यतः 5 लोकसभा के 5 विधानसभा के सदस्य प्रत्येक राज्य से जो इसमें आते हैं और उनके माध्यम से मिलकर ये परिसीमन संबंधी कार्यों को जो है निपटाया जाता है। परिसीमन आयोग के द्वारा जो परिसीमन से संबंधित जो आदेश बनाए जाते हैं उस आदेश को जो है सदन में रखा जाता है, यानी कि लोकसभा संसद और राज्य की विधानसभा में इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विचार भी होते हैं। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि उस परिसीमन में जो है आदेश में जो है उस परिसीमन आदेश में किसी भी तरीके का संशोधन या बदलाव करने की शक्ति संसद और राज्य विधानसभा के पास नहीं होता है। यानी कि परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है जो कि संविधान की प्रदत्त शक्तियों के आलोक में काम करता है। परिसीमन से संबंधित कार्यों को निस्तारित करने के उपरांत जो आदेश बनता है उस आदेश में जो है किसी भी तरीके का परिवर्तन संसद या विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जा सकता है और ना ही उस परिसीमन आदेश के प्रावधान को जो है किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बातें जो है महत्वपूर्ण है कि परिसीमन आयोग जब अधिनियम के अंतर्गत जो गठित हो गया तो वह जो है जो भी आदेश देता है, परिसीमन से संबंधित नियम बनाता है, वह अपने आप में जो है अंतिम होता है। इसमें ना तो संसद विधायिका के स्तर पर ना ही न्यायपालिका के स्तर पर उसमें कोई भी जो है बदलाव या चुनौती दी जा सकती है। तो यह परिसीमन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है बातें थी। और दूसरी बात यह है कि परिसीमन में लोकसभा के लिए जो है 1971 की जनगणना और विधानसभा के लिए जो है 2001 की जनगणना को जो है आधार बनाया जाएगा और यह जो है सीटें 2026 तक जो है यथावत रखने की जो बात कही गई है। यानी कि जो जनसंख्या होगी वो प्रत्येक विधानसभा या जो है लोकसभा क्षेत्रों के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन सीटें वही रहेंगी, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या जो है उसका अनुपात प्रत्येक जो है विधानसभा सीट और जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में लोकसभा के लिए और इसी तरीके से विधानसभा के लिए पूरे राज्य में बराबर होगा। तो इस आधार पर परिसीमन आयोग का जो है ये महत्वपूर्ण काम है जो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पूर्व में परिसीमन के रूप में जो है आता है। और संवैधानिक स्तर पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 82 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो है परिसीमन का कार्य जो लोकसभा और विधानसभा के लिए परिसीमन का कार्य किया जाएगा। यद्यपि कुछ जनगणना के बाद परिसीमन नहीं भी हुआ है, इसीलिए जो है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जो है माध्यम से यह बताया गया है कि 2026 तक जो है सीटें जो है यथावत रहेंगी और लोकसभा के लिए 1971 और विधानसभा के लिए 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए सीटों का जो है निर्धारण किया जाएगा। और इसीलिए 2002 में जो है अंतिम बार परिसीमन किया जा चुका है। तो ये रही कुछ परिसीमन आयोग की व्यवस्थाएं और परिसीमन आयोग की कार्यप्रणाली और परिसीमन आयोग की शक्तियां, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं कि परिसीमन के संदर्भ में उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था किए गए कार्य जो है अपने स्वरूप में अंतिम प्रकार के होते हैं। तो ये हम लोगों ने परिसीमन आयोग के बारे में जो है देख लिया। दूसरा है अधिसूचना से संबंधित व्यवस्था, सामान्यतः अधिसूचना को लेकर के जो है कि परिसीमन चुनाव के काम कब प्रारंभ होते हैं, क्योंकि चुनाव की तैयारियां वास्तव में अगर देखा जाए तो निर्वाचक नामावली, इन सारी चीजों का पुनरीक्षण, सर्वे, रैपिड सर्वे, सारी चीजें जो है एक वर्ष पहले से लगभग प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन चुनाव का कार्य वास्तव में वो अधिसूचना से जो है प्रारंभ होता है। चुनाव जो है वो अधिसूचना से जो है प्रारंभ होता है। जब अधिसूचना जारी होती है उसी तिथि से जो चुनाव प्रारंभ माना जाता है और इसे चुनाव अधिसूचना के साथ ही जो है आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। और ये जो है आदर्श आचार संहिता जो है अधिसूचना के साथ लागू हो जाती है और मतगणना के जो है तक जो है ये जारी रहती है। इसके बीच में आदर्श आचार संहिता लागू होती है। आदर्श आचार संहिता लागू करने का उद्देश्य बेसिकली चुनाव की शुचिता को बनाए रखना है, ताकि जो है विभिन्न प्रकार के जो है
ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके जिससे जनता के वोट को लुभाना या उनको प्रभावित करना किसी तरीके से प्रलोभन इत्यादि कार्यों को रोका जा सके ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव के कार्य को संपन्न किया जा सके। तो ये इसलिए आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है और अधिसूचना के साथ और मतगणना के साथ तक ये जारी रहती है बनी रहती है और इसके बीच में जो है ये चुनाव के कार्य जो है संपन्न होते हैं। अधिसूचना जारी करने का काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है। अब कई बार जो है समाचार पत्रों में भी इस तरीके की गलत चीजें आ जाती हैं कि निर्वाचन आयोग ने जो है आज आचार संहिता अधिसूचना जारी कर दी इसके बाद चुनाव कार्य प्रारंभ हो गए, लेकिन हमें इस तकनीकी जो है चीज को समझना है कि जो है अधिसूचना जारी करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है और इसके साथ ही जो है चुनाव प्रारंभ हो जाता है। तो ये अधिसूचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि मतगणना तक जो है जारी रहता है। तो ये अधिसूचना के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अधिसूचना जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, तिथि वगैरह फिर पुनः जो है उसी के आधार पर जो चरणबद्ध तरीके से जो जारी हो जाता है। तो अधिसूचना जो है ये अधिसूचना के बारे में प्रावधान था। एक अधिकारी चुनाव के दौरान होता है आरोप, आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर इसको बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर इसको बोलते हैं। यह है निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है उस चुनाव कार्य को जो है संपन्न करने के लिए जो है यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसके पास जो है उम्मीदवारों के द्वारा अपने नामांकन के लिए पर्चे दाखिल किए जाते हैं, उस पर्चे का जो है परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, जांच उपरांत जो है उम्मीदवारों की सूची जारी किया जाता है और वहीं पर आवेदन करके उम्मीदवार अपने नाम की वापसी भी एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये चुनाव कराने के लिए जो है वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति होता है। एक चीज यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, ये बात हो सकता है कि किसी समय जो है आरओ ही जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में जो है जिला अधिकारी ही जो है आरओ और जिला निर्वाचन अधिकारी दोनों होते हैं सामान्यतया, और इसके साथ में जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर जो है उप जिला अधिकारी जो होते हैं वो सामान्यतया आरओ के रूप में जो है काम करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी ही होते हैं। यानी कि जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी हमेशा से ही होते हैं और विधानसभा के चुनाव में जो है उप जिला अधिकारी आरओ के रूप में काम करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है मतगणना उपरांत जो है उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की जाती है। तो ये आरओ एक महत्वपूर्ण जो है अधिकारी होता है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब चुनावी जो है समय में किसी भी प्रकार की सभा और सम्मेलन, रोड शो, रैली इत्यादि को जो निकालना होता है तो आरओ के द्वारा ही उसकी अनुमति जारी की जाती है और उस पर बाकायदा समय इत्यादि का उल्लेख होता है और उसमें जो है आचार संहिता के अनुपालन के साथ जो है रैली सभा करने की जो है अनुमति दी जाती है और यह काम जो है आरओ के स्तर से किया जाता है। विधानसभा के चुनाव में यह काम जो है चूंकि आरओ जो है उप जिला अधिकारी होते हैं तो उनके द्वारा जारी किया जाता है और लोकसभा के चुनाव में जो है यह काम जिला अधिकारी के द्वारा होता है जो कि आरओ के साथ साथ जो है जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। तो ये आरओ सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पद उस दौरान होता है। तकनीकी रूप में इन्हीं के हस्ताक्षर से सारे काम होते हैं। इसके अलावा एक जमानत राशि की बात की जाती है कि चुनाव में जो है हमेशा ऐसे कैंडिडेट जिन्हें वोट कम मिलता है उनके लिए ये बात की जाती है कि जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत राशि के रूप में जो है जमानत जब्त हो जाएगा। तो चूंकि जब नामांकन के लिए जो है पर्चे दाखिल किए जाते हैं तो वहां एक निश्चित राशि के रूप में जमानत राशि जमा की जाती है और ये लोकसभा के लिए जो है 25,000 है और इसी तरीके से विधानसभा के लिए जो है ये 10,000 की राशि जो है ये राशि जो है समय के अनुसार जो बढ़ती रहती है। SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है 12,500 और 5,000 है लोकसभा और विधानसभा के लिए, इसकी राशि बढ़ती भी जाती है। लेकिन यहाँ जमानत राशि जब्त होने का संदर्भ जो है वो इस बात से होता है कि यदि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए, अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़े हुए कुल वैध मतों के 1/6 से यदि किसी को कम प्राप्त होता है मत तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई यह जमानती धनराशि जो है जब्त कर ली जाएगी और ये जो है उसे वापस नहीं किया जाएगा। तो ये बात होती है जमानत जब्त होना, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में यदि
उम्मीदवार को बहुत कम वोट प्राप्त होते हैं और उस वोट की कुल संख्या कुल पड़े हुए वैध मतों के 1/6 भाग से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है कि वो जहां पे जमानत का जो है जब्त हो जाना। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक ऐप की बात हो रही थी, सी विजिल एक ऐप है, इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जो है इस ऐप के माध्यम से दी जाती है और जिसमें जो है तत्काल कार्रवाई करने की जो है अपेक्षा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो किया गया है। कोई भी जो है नागरिक इसे डाउनलोड कर सकता है, उसमें अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि के द्वारा जो उसको एक्टिवेट रजिस्टर किया जा सकता है और इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि आपके नाम को पर्याप्त रूप में गोपनीय भी रखा जाएगा। तो सी विजिल एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप था जो कि चुनाव के दौरान काम करता था, तो ये परीक्षा में भी पूछ सकता है कि सी विजिल ऐप इसके दौरान काम कर रहा था, इसका मुख्य रूप से काम क्या था, तो थोड़ी मोटी जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। तो ये थी कुल मिलाकर के चुनाव संबंधी जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है व्यवस्थाएं जो कि समय समय के अनुसार आप लोगों को जान लेना जो है आवश्यक था। तो उम्मीद करते हैं कि ये चुनावी व्यवस्था जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, इसके संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ इस तरीके की जानकारी को लेकर के आएंगे, तब तक आप अपने विषयों का बेहतर ढंग से अध्ययन करते रहिए, हर दिन आप पिछले दिन की अपेक्षा अपने स्तर को सुधारने का प्रयास करते रहिए। अगले लेक्चर में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।